नमस्कार दोस्तों, देखो आज हमारा टॉपिक है वेलकम के पाठ्यक्रम पार्ट नंबर 4 है, उस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इस संचर में संबंधित हमने 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं या बना चुके हैं। अब पार्ट नंबर 4 में करेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो इफेक्ट पड़ते हैं, जो प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभावों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि ट्रांसमिशन लाइन होगी उसमें कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे, आप बताओ इसकी इफेक्ट। ठीक है, कोरोना इफेक्ट, समयुक्ता प्रभाव, ठीक है, और फेरेंटी प्रभाव, 4 प्रकार के हो सकते हैं या 4 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, ये पढ़ेंगे। इससे पहले ये पढ़ेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो कंडक्टर यूज करते हैं या चालक प्रयोग करते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है होलो चालक, दूसरा होता है स्टैंडर्ड चालक, और तीसरा होता है सॉलिड चालक, सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, इसको होलो चालक बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड चालक या लेडीजर चालक, और इसको बोलते दोस्तों टोस्ट चालक। Yeah,
बगैर रहोगे या फिर यदि ऐसे प्रकार के है तो हम जो प्रतिवाद होगी वो एक्सएल और एक्सी भी होगा और डीसी का प्रतिवाद होगा क्या होगा आज इस प्रकार के यहां पर प्रतिवाद है धारा के मामले में जो परिवर्तनों का विरोध है वो दो प्रकार से होगा कितने प्रकार से होगा दो प्रकार से यदि डीसी है कौन से तो ले डीसी है तो हम केवल ओमी प्रतिवाद करेंगे कौन का करेगा ओमी प्रतिवाद अर्थात धारा के विरोध में धारा का विरोध होगा वो डीसी के अंदर का रेजिस्टेंस पूरा या ओमी प्रतिरोध जबकि एसी के अंदर रेजिस्टेंस के साथ-साथ अर्थात ओमी प्रतिरोध के साथ-साथ ओमी प्रतिरोध सॉरी प्रभावी प्रतिरोध भी जुड़ जाता है तो ये होते दोनों प्रभावी प्रतिरोध प्रभावी प्रतिरोध दोनों होता क्या है कि एसी और एसी के अंतर्गत यदि आर भी जोड़ दिया जाए तो वो होता है प्रभावी प्रतिरोध कौन सा होता है प्रभावी प्रतिरोध ये दोस्तों ऐसी प्रकार की है तो हमारे धारा का विरोध होगा वो प्रभावी प्रतिरोध द्वारा होगा डीसी प्रकार के है तो ओमिक प्रतिरोध द्वारा कौन सा धारा ओमिक प्रतिरोध द्वारा अब बात करते हैं इसकी इफेक्ट होता जाए तो आपको यहां से पता चला गया चल गया होगा कि यदि ऐसी प्रकार की संचरण लाइन है तो वहां पर विरोध ज्यादा होगा वहां विरोध क्या होगा ज्यादा डीसी प्रकार के है तो विरोध क्या होगा कम जबकि हमारे इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन होता है विद्युत का वो कौन सा होता है एसी कौन सा होता है एसी अब हमें इसकी इफेक्ट में क्या होगा तो हम ऐसी धारा क्या करेंगे अपन संचरण करेंगे ऐसी धारा क्या करेंगे अपन संचरण तो मान लो ये कोई चालक है ये क्या है चालक ठीक दोस्तों अब ये चालक है यदि यहां पर ऐसी धारा प्रवाहित होती है तो यहां पर धारा का वितरण है धारा का वितरण या बोलो धारा का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म या एक समान वितरित न होकर वितरित नहीं होकर चालक की सतह पर ज्यादा हो जाता है अर्थात विद्युत धारा का धारा घनत्व बढ़ जाता है ज्यादा दोस्तों इसके इफेक्ट में होता है आप ही बोलते हो कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है या ऐसी प्रकार की शुक्ल होती है उसका एक गुण होता है कि आप तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो बनाते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर को प्रवाहित करते हो तो उसका जो धारा का जो वितरण है धारा का जो वितरण है वो एक समान वितरित नहीं होकर जो चालक की सतह है उसके ऊपर क्या होता है ज्यादा होता है एक समान वितरित नहीं होगा एक समान वितरित मतलब बस पूरे चालक है पूरे चालक में समान ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए थी कब जब डीसी प्रकार का होता लेकिन एसी प्रकार के क्या होता है किसकी सारी व्यवस्था क्या बनती है तो धारा का प्रवाह है वो चालक के ऊपर क्या होता है ज्यादा होता है चालक के ऊपर क्या होता है ज्यादा और जो अंदरूनी भाग होता है इसका चालक का इंटरनल एरिया होता है वो क्या होता है खाली रह जाता है क्या होता है इसके वजह से क्या होता है कि जो धारा होती है उसको धारा के ऊपर बढ़ जाता है धारा के ऊपर बढ़ जाता है देखो दोस्तों मैं बात करता हूं धारा के ऊपर बढ़ता कैसे उसके संबंध में यदि बात करता हूं तो मेरे पास एक चालक ये है एक चालक ये है तो मेरे पास ये एक चालक ये है यदि इसके अंदर में 2 एम्पीयर प्रवाहित होती है इसके अंदर भी 2 एम्पीयर प्रवाहित होती है कितनी लेकिन ये जो 2 एम्पीयर है वो डीसी की है और ये 2 एम्पीयर है तो जो
आंतरिक भाग है, ये क्या होता है? अप्रचलित रूप से रह जाता है या मन को काम नहीं करता है। तो जो इसका धारक कर्म है, देखो ये क्षेत्र पर काम नहीं कर रहा, क्षेत्र पर काम कौन से कर रहा है? इसके क्षेत्र का तो क्या बोलते हैं, दो एंटे सॉरी दो बीटीस को यहां पे रहेगा क्षेत्र पर, नहीं क्षेत्र पर का मान क्या हो गया, घट गया। घट के मान लिया कि इस पर चला जो धारक कर्म है वो एक बीटीस को भी स्थापित किया, क्यों? क्योंकि ये चला तो जा गया, काम नहीं करा, चला काम कौन से कर रहा है? ये धारक कर्म तो किस में दो एंटे, तो वो आया डी प्राप्त हो गया, आया कौन ए आया कितने दो एंटे आया कितना मान तो एक का मतलब है तो कितना हो गया 2 मीटर तो 2 एमपीए प्रति मीटर तो दो धारा का मान बड़ा है बड़ा धारा पहले समान ही है तो देखिए अंतर क्या है कि यहां मैंने डीसी प्रकार की धारा ली है यहां कौन सी ली है मैंने एसी प्रकार की अंतर क्या बता हुआ कि वो दो चालक है यहां पर धारा का मान मारा वो 1 एमपीए प्रति मीटर स्क्वायर था और यहां पर मान था 2 एमपीए प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात धारा का मान बढ़ जाता है चुंबकीयता है, ये क्या है? कंडक्टर सिग्मा,
चालकता है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये पाई का मान कौन सा है, फ्रीक्वेंसी है, चालकता है और चुंबकीय है। अब चुंबकीय मान क्या रहेगा, पर कांस्टेंट रहेगा, चुंबकीय मान क्या रहेगा, पर कांस्टेंट। आप लोग याद रखना चालकता और फ्रीक्वेंसी, चालकता और फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब आप क्या हुआ कि जो स्क्रीन डेप्थ है, स्क्रीन डेप्थ है वो किसके विलोमपाती है, किसके विलोमपाती है, तो किसके विलोमपाती है, फ्रीक्वेंसी और सिग्मा, फ्रीक्वेंसी और सिग्मा की। कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपने स्क्रीन डेप्थ कम होगी, स्क्रीन डेप्थ जो कम होगी, चलते बढ़ी स्क्रीन डेप्थ क्यों होगी, कम होगी, क्या होगी कम। अब कम होने का मतलब क्या है कि मान लो मैं पहले बोलता हूं कि ये स्क्रीन डेप्थ है, तो पहले ये 5 मीटर की है, कितनी मीटर की है, 5 मीटर, कितने मीटर की दोस्तों, 5 मीटर। अब मैं बोलता हूं कि स्क्रीन डेप्थ कम हो गई, स्क्रीन डेप्थ कम होने का मतलब हो गया कि अभी कितनी मीटर होगी, 3 मीटर। और मैं बोलता हूं कि स्क्रीन डेप्थ बढ़ गई, स्क्रीन डेप्थ बढ़ गई, तो इसका मतलब कितना हो गया, मान लो 7 मीटर, कितनी मीटर होगी, 7 मीटर। अब दोस्तों मेरे को यह बताओ कि यदि आपको स्क्रीन डेप्थ को कम करना है, स्क्रीन डेप्थ को क्या करो कम करना है, तो स्क्रीन डेप्थ की जो चौड़ाई होगी वो कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यदि स्क्रीन डेप्थ की चौड़ाई कम होगी, मेरे पास मीटर थी अब चौड़ाई और कम कर दी, तो अब क्या लगेगा, इस कंडीशन आ गया, इस कंडीशन आ गया, इसका मतलब ये और रेजिस्टेंस बढ़ गई, या रेजिस्टेंस और बढ़ गया, और जब स्क्रीन डेप्थ की मोटाई बढ़ जाएगी या चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो अब क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्षेत्रफल है वो और घट गया, अंदरूनी क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया, था डीसी तरह व्यवहार करेगी, डीसी तरह व्यवहार करेगी,
इसकी इफेक्ट जब तक होगा जब या तो गैप के मान बढ़ाओ या फिर मैंसी सिग्मा और समस्या मान लो ठीक है दोस्तों ये होता है इसकी। और दूसरी हम बता रहा हूं यहां पर कि आपने देखा कि यहां पर जो चालक है उनका एक मानक प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध है। ओमी प्रतिरोध है मैंने बता दी एक चालक 10 ओम का है, ये चालक कितना होगा 10 ओम का और ये चालक कितना होगा 10 ओम का। लेकिन मैं इनमें से दूसरा प्रयोग कराता हूं, इनमें से क्या प्रयोग करता हूं मैं दूसरा तो डीसी कराता हूं दोनों जगह तो ओमी प्रतिरोध क्या रहेगा समान है, ओमी प्रतिरोध क्या रहेगा समान। लेकिन मैं इसी चालक में से ऐसी प्रयोग करता हूं तो यहां पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है
जरूरत क्या है? डेप्थ। डेप्थ वो मोटाई है जिसके अंतर्गत युद्ध प्रवाहित होते हैं, और इसके जो अलावा जो अंतरिक्ष भाग होते हैं वो युद्ध प्रवाहित नहीं होंगे, वो रहस्य प्रस्तुत करेगा। अब देखो यदि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, फ्रीक्वेंसी में एक एरिया में इंक्रीमेंट किया तो वो इसकी लिमिट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा इसकी इफेक्ट बढ़ेगा। अतः आवृत्ति इसमें इफेक्ट करके बढ़ाती है, यदि फ्रीक्वेंसी में बढ़ते गए तो यहां पर इसकी लिमिट में बढ़ता गया और जो डेप्थ है वो कम होती जाएगी, अतः चालक का रहस्य बढ़ता। दूसरा चालक का आकार, चालक का आकार, अगर चालक का आकार यहां पर दो प्रकार से होता है तो कि एक तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हो, स्टैंडर्ड चालक को करते हैं, एक होता है होलो चालक। अब होलो चालक में क्या होता है कि एक दूसरे भाग क्या रहता है खा लेता है, तो आप ये चालक का काम ले सकते हो, ले लेते हैं मुझे ट्रांसफर करना हो स्टैंडर्ड चालक, कौन सा लेते हैं स्टैंडर्ड चालक, मतलब बुद्धा वाला चालक, ये चालक डाल दिया ये चालक डाल दिया ये चालक होता है वो लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है चालक का व्यास, चालक का व्यास। अब देखो चालक का व्यास क्या हो गया कि मान लो आपने विद्युत प्रवाह लिया इसके अंदर, तो ये पूरा एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, कितना है 2 मीटर स्क्वायर, और जब आपने इसमें एरिया स्क्वायर की ना प्रवाह तो 1 मीटर स्क्वायर थी, कितना प्रवाह थी 1 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है पूरा 4 मीटर स्क्वायर, जब आप विद्युत प्रवाह लगा दो तो किसके ऊपर लगेगी, तो अब क्या ऊपर लगेगी इसके ऊपर डायरेक्ट टाइम लगेगी 1 मीटर स्क्वायर में 3 मीटर स्क्वायर का एरिया वेट उठ गया, तो यहाँ पर देखो 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर रेशियो पड़ेगा और यहाँ पर कितना पड़ेगा 3 मीटर स्क्वायर, तो चालक का व्यास जितना ज्यादा होगा तो ये क्या होगा इसकी पर, और चालक का व्यास जितना कम होगा उतना इसकी पर क्या होगा कम, और एक व्यास चौथा क्या होगा चुंबकीय, ये भी क्या होता है सौर होता है, ठीक है दोस्तों ये था आपका इसकी, ठीक है। अब मैं अगली बात करता हूं कोरोना प्रभाव, तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने के बाद, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी लिमिट, सॉरी कोरोना प्रभाव, ठीक है दोस्तों। दूसरा कौन सा क्या कोरोना प्रभाव, कोरोना प्रभाव वो बड़े उत्पत्ति कारक क्या है, ठीक है किलो वोल्ट प्रति सेकंड, क्योंकि ये दूरी है 2 मीटर में लिए एमएम में लिए,
इन चारों के अलावा कुछ व्यास होगा, यदि इनके व्यास हो यहाँ पर क्या होगी दूरी, इनका की यदि दोनों चालकों के मध्य की दूरी यदि व्यास से अधिक है, व्यास से अधिक है और यहाँ पर न्यून मान की वोल्टेज सप्लाई दे, न्यून वोल्टेज क्या करे सप्लाई करे, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोण प्रभाव पैदा नहीं होता। लेकिन दोनों के बीच की दूरी कम हो व्यास क्या हो ज्यादा और यहाँ पर वोल्टेज है वो डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज दी जाए, डिस्क्रिप्टिव मान क्या दिया है वोल्टेज दी जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अंदर की एयर है वो धीरे धीरे कनेक्टर बनेगी चालक बनेगी और यहाँ पर क्या पता होगा कोरोना प्रभाव पता होगा, क्या पता होगा कोरोना, कौन से वोल्टेज होता है डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज होगा, दोनों चालकों का व्यास से ज्यादा लंबाई है और न्यून मान में वोल्टेज देते हो, न्यून मान में जो वोल्टेज दो तो वहां पर किसी प्रकार का कोरोना नहीं होता है अर्थात जो एयर है वो कनेक्टर नहीं बनती चालक नहीं बनती, लेकिन जो न्यून वोल्ट से अधिक वोल्टेज दी जाए और उस वोल्टेज को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव के ऊपर तो एक समान रूप
उससे मैग्नेटिक पट्टी पैदा होगी, वो नेगेटिव के ऊपर द्रव्यमान द्रव्यमान पट्टी पर फिर वो पैदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका कोण रखो। ठीक है, याद रखना है कि कोण का से ओजोन गैस बढ़ जाती है, ओ3 ये तरह पर जगह दिल जाता है तो परतों की वैल्यू बढ़ जाती है। रेडियो किरणों में होता है किस चीज होता है, ये रेडिएशन किरणों में होता है। किस चीज आती है कि चालकों में हुशिंग दबाव क्या होती है, ज्यादा से होती है, इसी दबाव क्या होती है, ज्यादा होती है। होता कब है कि इनके मंदिर चालक है, एयर है, वो क्या हो जाती है, आने का मतलब क्या हो जाती है, वो चालक हो जाती है। और जो हवा है उस स्प्रेडर पर जो क्योंकि 3 किलोवोल्ट प्रति मिनट, और जो ये है ये जो होती है 30 किलोवोल्ट प्रति सेकंड, 30 किलोवोल्ट प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर 30 किलोवोल्टेज है, वो एसी का कौन सा वोल्टेज है, तो ये एसी का वोल्टेज है पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज। यदि आरएमएस वोल्टेज है तो कौन से वोल्टेज होने से उम्र ना, तो फिर बोलना लगभग 21.21 किलोवोल्ट प्रति सेकंड। अब कौन सा गेन आरएमएस है, आर एम एस रूट मीन स्क्वायर। ठीक दोस्तों, एग्जाम में पूछा है कि कोण कब कब पैदा होगा, तो 30 किलोवोल्ट आरएमएस के ऊपर, 21.21 किलोवोल्ट प्रति सेकंड आरएमएस के ऊपर, तो 21.21 वोल्टेज है किलोवोल्ट, वो आरएमएस वोल्टेज है, वो कौन सी है आरएमएस वोल्टेज, और 30 किलोवोल्ट प्रति सेकंड है ये इसकी पीक वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू, जो तो आपका कोरोना रोग क्या होता है, कोरोना रोग। अब इसके उत्तरदायी कारण कौन से, किसके होने के कारण कौन से, ये दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमें बात करते हैं सीखा है, तो सबसे पहले आता है वायुमंडल की भौतिक अवस्था, वायुमंडल की भौतिक अवस्था, दूसरे चालक का आकार क्या होता है, फिर पेंसिल मान लेते हैं प्रभाव नहीं पड़ता इसके ऊपर, चालक के आकार में प्रभाव पड़ता है, चालक के प्रकार में प्रभाव पड़ता है, ठीक है, व्यास का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करता हूं वायुमंडल की भौतिक अवस्था, इसके प्रभाव क्या है, वायुमंडल की भौतिक अवस्था। ठीक दोस्तों, पहले जो है दूसरा चालक की सतह की अवस्था, चालक की सतह की अवस्था, तीसरा है चालकों के बीच की दूरी, चौथा है वोल्टेज का मान, ये क्या हो गया इसी कारण। फिर दोस्तों अब देखो, जो मैं बात करता हूं कि वायुमंडल की भौतिक अवस्था, वायुमंडल की भौतिक अवस्था, अब देखो ये दो चालक है, ये क्या है, दो चालक, इन दो चालकों के बीच में यहां पर इंसुलेटर का मुकाबला कर रही है हवा, और इस हवा के कारण ही चालक की
सत्य। अब चालक ही सत्य का मतलब यह है कि आपके पास दो चालक है, एक है स्टैंडर्ड चालक है, तो दो चालक के अंदर जो कोरोना प्रभाव है वो कम होता है, वो स्टैंडर्ड चालक में क्या होता है ज्यादा। फिर इससे पहले बता दें स्क्रीन पे, स्क्रीन पे स्टैंडर्ड चालक में कम होता है, वो उसमें क्या होता है ज्यादा। ठीक है, जब स्टैंडर्ड चालक है तो कोरोना प्रभाव क्या होगा ज्यादा होगा और दो चालक में कम। स्टैंडर्ड चालक के अंदर जो कोरोना प्रभाव होगा वो जो बैंगनी रंग की पट्टी दिखाई देगी वो असमान रूप से विकसित होगी, फिर ठोस में कभी समान रूप से आप यहां पर देखो कि ये वो चालक है, ठीक है।
है, चल रहा है, इसके अंदर ये युद्ध प्राप्त हो रही है, किसके नीचे में? पहले ये देखो मैं क्लॉकवाइज का, किसके नीचे में? क्लॉकवाइज, मेरे पास ये दोनों चला गया, यदि क्लॉकवाइज है तो मेरे पास यहां पर इस साइड से रिटर्न होगा और ये मेरे पास ये है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चौथा है,
खरीद में, तो मान लो दो तलवार है पास, क्या है दो तलवार, यहां पर मैंने भेज दिया यहां पर, तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो गया, सेंटी पॉइंट हो गया। तो मैं यहां से ये भेज दो, यहां से ये भेज दो, और यहां मैंने एक लोड लगाया, ये कौन सा गया रिसीव पॉइंट, अब भी ग्राही कौन सा गया, अब भी ग्राही ये कौन सा गया सेंटी गया प्रेसिंग। अब साधारण रूप से इसमें क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा रेजिस्टेंस, वो क्या हुए इन्वेंटरी आर के एच। अब इनकी खपत की वजह से यहां पर आपने जितनी वोल्टेज दी है वो है कम कम, क्या होगा कम, इसका मतलब क्या हो गया कि वीएस का मान ज्यादा है, वीआर का मान क्या होगा कम, कि सेंडिंग पॉइंट पर वोल्टेज ज्यादा होगा, रिसीविंग पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा कम। कब है, जब मैं साधारण रूप से देखता हूं अर्थात मैं लोड लगा के देखता हूं, और इनके बीच में क्या काम कर रहा है, हवा।
तो देखो कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर होता क्या है कि दो आवेशित प्लेट होगी अर्थात अलग अलग होगी और इनके बीच में क्या बन जाएगा इंसुलेटर होगा। इनसे जो बड़ी युक्ति का जो निर्माण होता है वो क्या होता है आपका कैपेसिटर होता है। यहाँ पर देखो ये पोल है, ये पोल किसका बना है तो है यहाँ पर अगर डिस्क इंसुलेटर लगाया, डिस्क इंसुलेटर के अंदर जो पिन है वो किसकी है लोहे की अर्थात दो तरह प्लेट होगी और इनके बीच में ऐसा लगा आपको और ये लंबी ट्रांसमिशन लाइन का करता है। देखो ये अनेक होते हैं हजारों लाखों पोल होते हैं उनके अंदर धारित प्रवाह होता है और धारित प्रवाह की वजह से यदि लोड का मान कम है या लाइट लोड है या नो लोड है तो वहां पर रिसीव पोल पर वोल्टेज ज्यादा होगी, रिसीव पोल पर भी वोल्टेज ज्यादा होगी और सेंडिंग पोल पर क्या होगा कम होगा। ये होता है आपका करंट प्रवाह और इस पोजीशन की करंट का मूल्य वेरी की थी सन 1900 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों याद रखना कि सामान्य कंडीशन की जरूरत हो फिर करंटी का मूल्य गिरने की जरूरत है क्यों कौन से लोड पर स्टोर जो और क्यों होता है क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है कोई ट्रांसमिशन लाइन लगता है उसमें धारिता ब्लॉक पैदा होता है। कैसे धारिता पर धारित युक्ति कौन सी होती है दो तरह प्लेटों के बीच में एक इंसुलेशन तो एक तरह प्लेट यहाँ पर एंगल आयरन का बना हुआ है चुंबक होता है दूसरा डिस्क इंसुलेटर लगा उसके अंदर जो पिन होती है वो काम करती है तो दो प्लेटें ये हो गई और इनके बीच में जो इंसुलेशन काम करेगी जो डायलैक्ट्रिक के स्टेट में काम करेगी वो कौन करेगी दोस्तों कौन करेगी दोस्तों जितने आपका ट्रांसमिशन लाइन में जब कहीं प्रॉब्लम हुई पहला तो आपका स्क्रीन पे उसमें जो गैप है उसको थोड़ा इंपोर्टेंट का ध्यान रखना। दूसरा प्रॉब्लम आपका कोरोना जो ऐसे बीच दोनों होता है स्क्रीन पे क्यों ऐसे होता है। तीसरा प्रॉब्लम आपका संयुक्त प्रॉब्लम कौन सा था संयुक्त ये भी आपका ऐसे होता है डीसी पर नहीं होता है चौथा आपका फेरेंट प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों आगे हम बात करते हैं। ठीक दोस्तों ये था आपके प्रॉब्लम का अब इसके बाद में मैं आपको दो चीजें पढ़ता हूं एक तो होता है वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन एक है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके कुछ पैरामीटर है ये आपको याद रखना है। अब देखो आपको मैंने बताया आपको फैरेडे का लॉ तो फैरेडे का लॉ में क्या होता है कि कैपेसिटेंस का मान ज्यादा हो जाए चार्जिंग करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाए तो इस दो दोस्तों को करने के लिए एक लगाते हैं रिएक्टर जनरेटर काम लेते हैं। जनरेटर मतलब क्या हो गया कि मान लो ये एक आपका रेजिस्टेंस लग गया जो कॉइल लग गई ये रेजिस्टेंस लग गया आर और ये क्या कर दिया आपने कैपेसिटेंस लग गया और ये क्या लग गया आपने यहां पर लोड लग गया। ठीक है तो यहां पर क्या है ये सेंडिंग पॉइंट है और एक होता पॉइंट है मिला यदि इसका मान ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहां पर एक इंडिकेटर होल लगा देंगे क्या लगा देंगे इसको बोलते हैं सेंट रेट क्या बोलते हैं दोस्तों सेंट रेट। अब ये सेंट रेट क्या काम करता है इसके विपरीत सब काम करता है मतलब इसके प्रभाव क्या कर देगा कम करता है। ठीक दोस्तों अब बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज देखो रेगुलेशन होता है ट्रांसमिशन लाइन होगी इससे पहले आपने अल्टरनेटर पर ट्रांसफॉर्मर अच्छे से पढ़ा होगा क्या होता है कि ये आपका एक सेंडिंग पॉइंट है और यहां पे रेजिस्टेंस लगेगा कॉइल लगी और यहां पर क्या आएगा आपका एक लोड के रूप में रेजिस्टेंस पॉइंट वीआर और ये कौन सा वीआर वीएस सेंडिंग पॉइंट हो गया ये क्या हो गया रेजिस्टेंस पॉइंट ये इसको बोलते हैं प्रेशर बिंदु इसको बोलते हैं अभिनय बिंदु। अभिनय ये कौन सा क्या प्रेशर बिंदु है वो कौन सा क्या अभिनय बिंदु। अब यहां पर सेंडिंग पॉइंट पर वोल्टेज ज्यादा होगी और यहां पर वोल्टेज होगी कम होगी कितनी कम होगी कितनी वोल्टेज कम होगी उसी वोल्टेज को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है वोल्टेज नियम से मतलब क्या होता है वोल्टेज नियम क्या होगा इसका मतलब होता है वी आर परसेंट बराबर कि वी एस सेंडिंग पॉइंट पर कितनी वोल्टेज है माइनस वी आर वोल्टेज पर कितनी वोल्टेज है बटा वी आर इनटू सेंडिंग वोल्टेज की वोल्टेज सेंडिंग स्थानीय रिसीव पॉइंट की वोल्टेज बटा रिसीव पॉइंट की वोल्टेज इनटू सो ये क्या होता है आपका वोल्टेज नियम।
वो कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का, रजिस्टिव होगा, इंडिक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा। और जो अवस्थाएं बढ़ेंगे वो वोल्टेज रेगुलेशन की, वो भी तीन बढ़ेगी कि एक तो बी एस बराबर बी आर होता है कि रिसीविंग पॉइंट पर वोल्टेज और सेंडिंग पॉइंट पर वोल्टेज बराबर हो। एक अवस्था बन सकती है कि बी एस का मान कम हो, बी आर का मान क्या हो, ज्यादा हो, अर्थात सेंडिंग हो। एक होता है बी एस का मान ज्यादा होगा, एक बी आर का मान कम होगा। ये दोनों कंडीशन होगी, ये बनेगी कैपेसिटिव पावर की बात और ये बनेगी आपकी इंडक्टर की बात। आओ देखिए इंडक्टर के दोस्तों, जो तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन तीन कंडीशन बनेगी, वीएस का मान क्या होता है, वीएस बड़ा होता है, सॉरी वीआर ज्यादा होगा, वीएस कम होगा, वीआर कम होगा, वीएस कम होगा, ये कैपेसिटिव प्रभाव और ये कौन सी होगी इंडक्टर। ठीक दोस्तों, अब बात करता हूं मैं ट्रांसमिशन लाइन के कुछ पैरामीटर होते हैं, इनको समझना से जरूरी दे रखा है। कितने प्रकार के पैरामीटर होते हैं वो याद रखना आपको। ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर, ये पैरामीटर चार प्रकार के, पहला होता है प्रतिरोधी पैरामीटर, दूसरा होता है कैपेसिटिव पैरामीटर, कैपेसिटिव पैरामीटर, तीसरा होता है इंडक्टिव पैरामीटर, और चौथा होता है शंट चालक पैरामीटर। ये दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर है, सेंट्रल लाइन के पैरामीटर वो चार पॉइंट है, प्रतिरोधी आर ए सी और ये कौन सा गया शंट चालक पैरामीटर। कि दोस्तों ये हो गया पैरामीटर। इसी के साथ अन्य चीजें रहेंगी, जैसे कोई ट्रांसमिशन लाइन है उसकी सर्विस कितनी दूरी है, कितने हाइट है, वो बाकी चीजें हैं उसके अलावा। यदि मैंने आपको पढ़ाया पार्ट नंबर 1 2 3 4 उनमें से कोई प्रॉब्लम है